वेलकम टू स्टेप टू फिट गाइस। आज हम बात करेंगे हाउ टू गेट फ्लैट टमी इवन आफ्टर यू आर 40। सब यूट्यूबर लगे हुए हैं सिक्स पैक, हाउ टू ग्रो योर बाइसेप्स, शोल्डर, लेग, टेस्टोस्टेरोन, ये वो बहुत सारी चीजें, और भूल गए हैं कि हमारे ग्रैंड्स भी हैं। आफ्टर 40 भी कुछ लोग हैं, उनके लिए भी कुछ बनाओ। तो मैंने सोचा क्यों ना मैं ही शुरुआत करता हूँ, और किसी ने तो बनाई नहीं शायद। चलो हम बात करते हैं आफ्टर 40 फ्लैट टमी, फ्लफी टू फ्लैट। तो हमें ध्यान रखना है 7 चीज़ों का। 7 चीज़ें मैं बताऊंगा जिनका आपको ध्यान रखना है। सबसे पहली, स्वीट क्रेविंग होती है, ध्यान रखना है कि हम कम से कम मीठा खाएं। और अगर आपको फिर भी मीठा खाने की बहुत इच्छा है तो आप एक एप्पल पे पीनट बटर लगा के खा सकते हैं, जिससे आपकी मीठे की क्रेविंग बंद हो जाएगी, राइट, और डायबिटीज से भी बचोगे। सेकेंड, अवॉइड क्रैश डाइट। फेसबुक, सोशल मीडिया आर्टिकल आते हैं एक हफ्ते में फ्लैट टमी, एक हफ्ते में ये, एक हफ्ते में वो। अपनी डाइट के साथ खिलवाड़ मत करो, क्योंकि आप उसको रेगुलर नहीं रख सकते। 1 वीक करोगे, फिर चेंज करोगे, वापस से वो ही होगा जो था। तो डू नॉट गो फॉर क्रैश डाइट, अवॉइड करो उसको। थर्ड थिंग, गो फॉर प्लैंक। क्रंचेस, लेग रेज बंद करने हैं, प्लैंक पे फोकस करना है, क्योंकि बाहर वाली लेयर पे क्रंचेज इफेक्ट नहीं करते, वो अंदर मसल पे इफेक्ट करते हैं। प्लैंक ऑल ओवर बॉडी की स्ट्रेंथ बढ़ाता है, सबसे ज़्यादा आपकी कोर को स्ट्रांग करता है, जिसकी वजह से आपकी बाहर की लेयर जो है वो कम होनी स्टार्ट हो जाएगी। फोर्थ, वॉच आउट फॉर मिडनाइट हंगर। क्या होता है, मेरे साथ भी होता है, पूरा दिन डाइट फॉलो, एक्यूरेट कैलोरीज, फूड, ये वो, अब आ गई रात, रात में भूख बहुत खतरनाक है। तो मैं क्या करता हूँ, एक गिलास पानी पीता हूँ, जिसकी वजह से आप हाइड्रेट हो जाते हो। और फ्रूट्स अपने पास रखो, वो खा सकते हो आप, वो खाओ, ताकि आप किसी भी ख़राब चीज़ से बचो खाने से। फिफ्थ, स्ट्रेंथ ट्रेनिंग पे ध्यान देना है। स्ट्रेंथ ट्रेनिंग करनी है, कार्डियो कम करना है। कार्डियो करने से बॉडी लूज होती है, स्ट्रेंथ ट्रेनिंग वेट लूज भी करती है और आपकी बॉडी को टोन भी करती है। और सिक्स्थ, अगर आपकी आपको मेडिकल इशू है, आफ्टर 40 कुछ ना कुछ होता है, अगर आपको कोई भी मेडिकल इशू है, आप वेट ट्रेनिंग नहीं कर सकते, डॉक्टर मना कर देगा, तो आपने क्या करना है, टर्न इनटू योगा। योगा कर सकते हो, कुछ ना करने से बहुत अच्छा है योगा, फ्लेक्सिबिलिटी भी गेन होती है और वेट लूज भी होता है, हालांकि स्लो होता है लेकिन होता है, तो वो आपको ध्यान रखना है। सेवन थिंग, सबसे जरूरी, आफ्टर 30 हमें विटामिन डी और कैल्शियम की बहुत नीड होती है, तो कोशिश करें आप ज़्यादा से ज़्यादा डेयरी प्रोडक्ट्स खा सकें, जिससे, और विटामिन डी के लिए आपको सन के सामने लेटना होगा, तो अर्ली मॉर्निंग लेट सकते हो, क्योंकि हाँ काली स्किन किसको पसंद है, किसको टैन होना है, तो लेकिन टैन होना ज़्यादा बेटर है बीमार होने से। तो इन सारी चीज़ों का आप प्लीज़ ध्यान रखें, और अगर वीडियो आपको पसंद आए तो प्लीज़ शेयर करें, क्योंकि आप जैसे बहुत से लोग होंगे जिनको नहीं पता होगा, जिमों में जाते हैं तो, या घर पे भी रहते हैं, तो वो ये सारी चीज़ें अवॉइड करके एक अच्छे लाइफस्टाइल पे आ सकते हैं। अगर वीडियो पसंद आए तो शेयर करें, चैनल सब्सक्राइब करें, और कोई भी क्वेश्चन है तो आप इनबॉक्स भी कर सकते हो। ऑलवेज देयर फॉर यू, बाय।